नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। मेहनत नहीं करना चाहते ना आप लोग बिल्कुल भी। देखिए, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक आप लोग रगड़ कर मेहनत नहीं करोगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, दो तीन बातों को समझिएगा। जब मेंस प्रोग्राम शुरू हुआ उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जो टॉपिक जिस दिन आपका जिस टॉपिक पर वीडियो मिलने वाला है उस दिन से 3 दिन पहले ये टॉपिक आपके डिस्कशन कम्युनिटी पर क्रिएट किया जा चुका है और 18 दिन का आपका शेड्यूल भी दिया गया था कि आप उन सारे टॉपिक्स को पढ़कर तैयार रखें। किस दिन डिस्कशन कम्युनिटी पर क्रिएट हो रहा है, किस दिन एनालिसिस मिल रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि आप अपने आप से प्रिपेयर रहें, सेल्फ स्टडी करें और किस दिन कौन सा टॉपिक मिल रहा है उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव था और मेंस प्रोग्राम में जो आपको शुरुआती के दिनों में वीडियोस मिले हैं उसमें बताया गया है कि कैसे आपको उत्तर लेखन करना है, किन बातों को ध्यान रखना है, किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, शब्द सीमा किस प्रकार से होना चाहिए। इन सारी बिंदुओं पे आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। लेकिन आज जो मैं आपसे बातें करने वाला हूँ ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिस्कशन कम्युनिटी पर ऐसा देखा जा रहा है कि आप में से बहुत सारे कम लोग वहाँ पर अभ्यास कर रहे हो। इसका कम लोगों का अभ्यास करना क्यों है, कम लोगों का अभ्यास आना ये किस वजह से है, दो तीन पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला कि या तो आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते, आप लोग एफर्ट नहीं लगाना चाहते। दूसरा ये हो सकता है कि वहाँ पर कुछ आप लोगों को दिक्कत आ रही हो, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हों, लेकिन ऐसे कमेंट्स में देखे नहीं गए ज़्यादातर। और जिनके भी वहाँ पर रिस्पॉन्स आया कि दिक्कत हो रहा है, उनके प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व कर दिया गया। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप लोगों को अभी तक नहीं पता है कि डिस्कशन कम्युनिटी से कैसे जुड़ा है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, सारे नोटिफिकेशन वहीं पर जा रहे हैं। आज भी बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का और टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च भी करोगे तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लोगे। और डिस्कशन कम्युनिटी से कैसे जुड़ना है, ऊपर आई बटन क्लिक करो, वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन वीडियो दिया हुआ है। तो हमारी वेबसाइट पर जो डिस्कशन कम्युनिटी का पैनल है बहुत ही सिंपल, वहाँ पर यूज़र फ्रेंडली है, बहुत आसानी से आप लोग वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। और एक बात, आपके पोस्ट पर वहाँ पर रिप्लाई भी आना शुरू हो जाएगा या फिर रिव्यू देना स्टार में, अगर आपने अच्छा क्वेश्चन लिखा है तो 3 स्टार 4 स्टार इस तरह से वहाँ पर आपके मार्किंग भी किए जाएंगे, तो ये वाली चीज़ भी शुरू हो जाएगा। लेकिन डिस्कशन कम्युनिटी पर बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत कम, यानी कि एक क्वेश्चन पे 80, 100, 35, 50 इसके रेंज में आ रहे हैं, मतलब बहुत कम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखो, जैसे आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहयोगी संगठन, ये आपका पेपर नंबर 7 पार्ट 2 में आता है। तो इस पर 3 दिन पहले ही टॉपिक क्रिएट किया जा चुका है, इस पर भी बहुत कम कमेंट्स आए हैं। और एक शिकायत आप लोगों से ये भी है कि आप लोगों को जो मेंस का पेपर का फॉर्मेट होता है वो अवेलेबल करवाया गया था वेबसाइट पे, और जहाँ भी जाओगे उसका लिंक वहीं पर मिल जाएगा पीडीएफ, और बोला गया था कि उसका पीडीएफ आप लोग ले लेना, उस पर ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, कॉपी पर मत करना। क्योंकि आप जब वहाँ पर हॉल में पेपर देने बैठोगे तो वहाँ पर आपको कोई कॉपी नहीं मिलने वाला, या फिर जो आप घर में यूज़ करते हो वो नहीं मिलने वाला। उस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल पाएगा कि कितने लाइन यहाँ पर मुझे मिले हैं। तो प्रॉपर उसी का इस्तेमाल करो, उसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप लोग प्रिंट नहीं ले रहे हो तो आलस दिखा रहे हो, आलस दिखा रहे हो यानी कि मेहनत करने की इच्छा नहीं हो रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जो लोग अभी शायद जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला है, जिनको पहले से पता है कि मेरा नहीं क्लियर होगा, और जो CGPSC की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि यह प्रोग्राम जो अभी जिन लोगों के लिए चल रहा है, जो लोग मेंस देने वाले हैं उन लोगों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी CGPSC की तैयारी करने का प्लान कर रहा है वो हर एक बंदा यहाँ पर डिस्कशन कम्युनिटी पर उत्तर लेखन का अभ्यास कर सकता है। आप जब यहाँ पर अभ्यास करोगे, हज़ारों बच्चे अभ्यास करेंगे, हज़ारों बच्चों का जब रिव्यू होगा, एक दूसरे को रिव्यू किया जाएगा, तो आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पर बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बचपन में हम लोग बहुत सारी कहानियाँ सुना करते थे। थोड़ा सा वक्त लूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना कि अभ्यास कितना ज़रूरी होता है, बिना अभ्यास किए कुछ नहीं मिलने वाला। हम लोग यहाँ पर सारे टिप्स बता देंगे कि कैसे आंसर लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, हर एक चीज़ बता देंगे। लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, जब तक रगड़ कर मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए 2-4 बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बचपन में बहुत कहानियाँ सुनते हैं,
हालांकि बचपन में उन कहानियों का मतलब नहीं पता होता था, लेकिन उन कहानियों को सुनने में बड़ा मज़ा आता था। लेकिन जब आज कभी कभी मौका मिलता है और सोचते हैं कि ये कहानी का मतलब क्या है, तब पता चलता है कि एक्चुअल में इस कहानी का मतलब क्या था। वैसे ये कहानी था वरदराज की कहानी, शायद आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है या फिर सुना भी हो तो याद दिलवा देता हूँ। वरदराज एक बहुत ही मूर्ख बच्चा था। आप लोगों को पता था कि वो आश्रम में एक अपने एक जो गुरुजी थे उनसे पढ़ा करता था। वहाँ के जो बच्चे थे उसको मूर्ख बुलाया करते थे, मूर्ख राज कहा करते थे वरदराज को। कुछ भी सवाल उससे पूछो कुछ नहीं पता होता था, मेहनत नहीं करना चाहता था, आलसी था, हमेशा उसको डांट पड़ती थी। एक दिन थक हार कर उसके गुरुजी क्या बोलते हैं कि तुम अपने गाँव वापस लौट जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, वहाँ पर जाओ खेती किसानी करो, घर परिवार का हाथ बटाओ। ठीक है, वरदराज वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जाता है तो उसको क्या मिलता है, एक कुआं मिलता है। वहाँ पर पानी पीने के लिए रुकता है तो जब पानी पीते हुए देखता है वहाँ पर पत्थर घसा हुआ रहता है रस्सी खींचने से, तो फिर उसके मन में ये चीज़ें क्लिक होता है कि जब रस्सी से पत्थर घिसा सकता है तो फिर कड़ी मेहनत से वो क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। फिर वापस जाता है गुरुजी के पास, फिर बोलता है एक और मौका दे दो। उसके बाद वरदराज कितना बड़ा विद्वान बनता है। संस्कृत के जितने भी व्याकरण आप लोग पढ़ते हो उसमें वरदराज का सबसे बड़ा योगदान है। तो इस तरह से छोटी छोटी कहानियाँ जो हम लोग बचपन में सुनते थे, बड़ा मज़ा आता था, लेकिन समझ नहीं आता था कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। बचपन होता था, आज उस कहानी का मतलब समझो आप लोग। कहने का मतलब यही है कि जब तक मेहनत नहीं करोगे, रगड़ कर मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। कंपटीशन कम्युनिटी आप लोगों के पास में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है उत्तर लेखन अभ्यास करने का, जो बाकी लोग कर रहे हैं उनके साथ में आप भी करिए। और जितने भी एनालिसिस वीडियो मिल रहा है उस एनालिसिस वीडियो के आधार पर उन गलतियों को सुधारने का कोशिश कीजिए। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, डिस्कशन कम्युनिटी से कैसे जुड़ना है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, उसमें वीडियो है उसको देखो, उसके बाद डिस्कशन कम्युनिटी से जुड़ो। और किसी भी तरह से कोई भी परेशानी होता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर हमें मेल करो, या फिर कॉल करो, आपके प्रॉब्लम का समाधान तुरंत निकाला जाएगा। तो इन बातों पर आप लोग ध्यान रखिएगा। आज हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 7 भाग 2, जिसमें आपका जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल, घटनाएं एवं संगठन, इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसमें पहला वीडियो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन एवं उसके सहयोगी संगठन। ये आज पहला वीडियो है और संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहयोगी संगठन से एक वीडियो और आपको मिलेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक डिस्कशन कम्युनिटी पर क्रिएट किया गया था वो 25/2/2020 को किया गया था। 3 दिन बाद, जैसे मैंने बोला कि जिस दिन टॉपिक क्रिएट होता है उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, उसके बाद एनालिसिस वीडियो। तो आज इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। 4 क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिया गया था, क्योंकि आपको पता है कि जो पार्ट 2 वाला होता है, जैसे पेपर नंबर 7 जो पार्ट 2 है और इस टॉपिक का जो पार्ट 2 है, उससे आपके 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक होगा 2 नंबर का प्रश्न, एक होगा 4 नंबर का प्रश्न, एक होगा 8 नंबर का प्रश्न, एक होगा 10 नंबर का प्रश्न। यहाँ से आपके 15 नंबर के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो 2, 4, 8 और 10, इन चारों फॉर्मेट पर एक एक प्रश्न आपसे वहाँ पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है। तो ये चारों प्रश्न और इसके आसपास अगर किसी तरह से प्रश्न बन सकता है, वो किस तरह से बन सकता है और एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जा सकता है, मैं आपको यहाँ पर पूरा आज एनालिसिस करने वाला हूँ। और हाँ, डिस्कशन कम्युनिटी पर कुछ लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, उनका नाम मैं आप लोगों के इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। पेपर नंबर 7 में बहुत अच्छा आप लोग स्कोर करोगे, बस इसको फॉलो करते चलना, वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं बताऊंगा कि किन लोगों ने अच्छा आंसर राइटिंग किया है, आप उनके उत्तर लेखन को जाकर देखो और वहां से कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहां पर हमारा क्वेश्चन था 2 नंबर का, प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र के गठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। यानी कि यूनाइटेड नेशन को जब इस्टैब्लिश किया गया तो इसके इस्टैब्लिश के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, 2 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने 4 लाइनें खींची हैं। 4 लाइनें खींचने का मतलब ये हुआ कि जब आप पेपर हॉल में बैठोगे और जब आपको पीएससी आपके हाथ में पेपर देगा, तो उस पेपर में 2 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इस तरह से आपके पास में 4 लाइनें होंगी और वर्ड लिमिट होगा 30। 30 वर्ड में सोचो कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है। प्रश्न आपका संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के गठन है और इसके गठन का प्रमुख उद्देश्य है। कभी भी प्रश्न हल करने बैठो तो उस प्रश्न को समझना जरूर, क्योंकि जब तक उस प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है उसको नहीं समझोगे और जल्दबाजी करोगे
तो आप आगे गड़बड़ कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, उसको ध्यान से आप लोग पढ़ना। अब यहाँ पर जब उत्तर लिखोगे तो शुरू में एक लाइन लिख लेना, संयुक्त राष्ट्र का गठन 1945 में किया गया, इसके गठन के पीछे का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। एक लाइन में ये चीज़ें लिख लोगे। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव यानी कि जब इसका उद्देश्य लिखोगे तो ध्यान रखना, इसका उद्देश्य आप सीधा सीधा लाइन में मत लिखना, क्योंकि जब वो चेकर होगा जो कॉपी आपका चेक करते रहेगा उसको क्या चाहिए होगा, वो सीधा उस बात पे क्लिक करेगा कि इसका ऑब्जेक्टिव इसने क्या लिखा है। तो क्लिक करवाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पॉइंट में लिखो, जितने पॉइंट्स लिखते हो, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट या चार पॉइंट भी हो सकता है, जितने आप 30 शब्दों में उसको ख़त्म कर सको। तो इसके ऑब्जेक्टिव हमेशा आप पॉइंट में लिखना। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता है कि यूनाइटेड नेशन का क्यों गठन किया गया था, शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया गया था, इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको पता है। लेकिन इस तरह से हवा में नहीं फेंकना है जो आपको पता है। जब यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया तो यूनाइटेड नेशन के गठन के वक्त एक चार्टर तैयार किया गया, उस चार्टर में यूनाइटेड नेशन के गठन के 6 प्रमुख उद्देश्य लिखे हुए हैं। उसी 6 प्रमुख उद्देश्य में से 2 नंबर के प्रश्न को आप 2 ऑब्जेक्टिव लिखें, 3 ऑब्जेक्टिव लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें या 6 लिखें, मिनिमम मेरे हिसाब से 4 ऑब्जेक्टिव आपको लिखने चाहिए। और अगर 2 नंबर से अब अगर यही प्रश्न 4 नंबर में पूछा जाता है तो आप उसके 6 के 6 ऑब्जेक्टिव को वहाँ पर लिखिएगा। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव मैं बता देता हूँ, और इसके जो चार्टर के अनुसार 6 उद्देश्य हैं यूनाइटेड नेशन के, इसको आप लोग गूगल सर्च करके भी वहाँ से निकाल सकते हो या बाकी जगह से भी पढ़ सकते हो। तो इसके उद्देश्य क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा है समानता और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, यानी कि टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये दूसरा हो गया। तीसरा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान में विश्वव्यापी सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि टू फॉस्टर वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमी, सोशल, कल्चर एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। इसके अलावा चौथा जो आ जाता है वो दुनिया के लोगों के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। पाँचवा आ जाता है इसके बाद एक ऐसे केंद्र के रूप में सेवा करने के लिए जहाँ विभिन्न राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी गतिविधियों का समन्वय कर सकते हैं, सफल पीढ़ियों को युद्ध के संकट से बचाना। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र के गठन के पीछे ये 6 उद्देश्य इसके चार्टर में उल्लेखित हैं, और आप लिखोगे कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार इसके उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं, और 2 नंबर के प्रश्न में मेरे हिसाब से 4 ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और अगर 4 नंबर के क्वेश्चन यही पूछा जाता है तो आप यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन में 6 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे उद्देश्य पूछा गया था, अब 2 नंबर के क्वेश्चन में ही आपसे भूमिका भी पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र के कार्य भी पूछा जा सकता है, इसका क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से 2 नंबर के आसपास संयुक्त राष्ट्र से किस प्रकार से पूछा जा सकता है, या फिर संयुक्त राष्ट्र के संरचना से आपसे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसके आसपास भी किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अब 4 नंबर के प्रश्न देखते हैं कि किस तरह से ये संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगी संगठन से 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं। चलिए इसके बाद देखिए कि 4 नंबर के मार्क्स में आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, इसके समक्ष वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर टिप्पणी करें। देखिए आप इसको करंट अफेयर से रिलेट करके कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ो, प्रश्न को 2 हिस्सों में बांट दो। पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, तो क्या है मैं क्या इसका बताओगे, इसके गठन के बारे में बताओगे, यानी कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताओगे, इसका इसके गठन के पीछे का ऑब्जेक्टिव बताओगे, कार्य किस प्रकार से करता है, इसकी भूमिका क्या है, इस पर इस ये सब के बारे में बात करोगे। इसके अलावा दूसरा इसके क्वेश्चन को आप डिवाइड करो, इसके समक्ष वर्तमान वैश्विक चुनौतियां क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको करेंट अफेयर से रिलेट करके इस तरह के क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको यहाँ इस तरह से 7 से 8 लाइन मिलेंगे, और एकदम कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको इसमें लिखना होगा कि जो सीधा चेकर है उसके माइंड पे वो क्लिक करे,
तो जब इस पे टिप्पणी करोगे, और देखिए क्वेश्चन आंसर लिखने का मतलब ये नहीं कि आप पैरा में ही लिखो, आप पॉइंट वाइज पॉइंट भी लिख सकते हो, और पॉइंट में लिखने से फ़ायदा ये होगा कि चेकर को जल्दी जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो क्लिक करेगा उसके माइंड में। तो जब आप सबसे पहले शुरू करोगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, आप यहाँ से शुरुआत करोगे, तो इसमें आप चार चीज़ों का ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जैसे आप लोगों को पता है कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है, इसके गठन के बारे में लिखो, इसके बाद इसके गठन के पीछे का उद्देश्य लिखो, इसके कार्य को लिखो, इसकी भूमिका को लिखो। हो सकता है आप इस फॉर्मेट को एक स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। अब इसके सामने जो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इसके में लिखा हुआ है कि इसके समक्ष आपको वर्तमान वैश्विक चुनौतियों को लिखना है यानी कि उस पर टिप्पणी करना है। तो आप अगर वर्तमान वैश्विक चुनौतियाँ देखोगे तो आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएगा? जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा इसमें आ जाता है, आतंकवाद आ जाता है, अर्थव्यवस्था आ जाता है, मानवाधिकार आ जाता है, शरणार्थी आ जाते हैं, रिफ्यूजेस आ जाते हैं। तो इस तरह से आपके मन में बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर क्या करोगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अभी 74वां सत्र आयोजित किया गया सितंबर के महीने में, जिसको भारत की तरफ से संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप उस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में किन किन मुद्दों पर बात हुआ और उस सत्र में कौन कौन सी चुनौतियों पर बात की गई, उसको आप लोगों को पढ़ना है। ये 74वां सत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऑब्जेक्टिव्स को और वैश्विक चुनौतियों पर जिस पर चर्चा किया गया उसको आप लोगों को पढ़ना है। इसमें से जब 74वां सत्र का वैश्विक चुनौती देखोगे तो इसमें सबसे ऊपर आता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के बारे में जब वहाँ पर किस तरह से चर्चा हुई उसके पॉइंट्स लिखोगे तो आप एग्जांपल दे सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से जंगलों में आग लगी वो क्या है, जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। अमेजोन वन में जिस तरह से आग लगी क्या है, जलवायु परिवर्तन का एक एग्जांपल दे सकते हो। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का वहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो कि सारी दुनिया जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर साइन किया था क्या उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर अगर इसके वर्ड लिमिट्स बढ़ जाते हैं तो आप वहाँ पर इन चीज़ों के एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो। लेकिन जब वर्ड लिमिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, 4 मार्क्स में ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जब पूछा जा रहा है तो जलवायु परिवर्तन के 1-2 एग्जांपल ही दे दो, वहां पर काफी होगा। या फिर थनबर्ग जो एक छोटी सी बच्ची थी, क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी, उसका एग्जांपल आप लोग यहां पर दे सकते हो। इसके बाद आप आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2030 तक के लिए, इसके अंदर में सारी चीज़ें आ जाएंगी, अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें कौन कौन सी आ जाएगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सारी चीज़ें जो है, या फिर बुनियादी जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे सतत विकास में आ जाएगा। तो इस तरह से सतत विकास के बारे में आप लिख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास में एक ये भी बड़ा ग्लोबल चैलेंज है। इसके बाद आतंकवाद पे लिख सकते हो, आतंकवाद में सुरक्षा ऐड कर सकते हो, विश्व शांति ऐड कर सकते हो, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, सीरिया का दे सकते हो, इराक का दे सकते हो, ईरान का दे सकते हो, या फिर अगर यहाँ पर टकराव देखो अमेरिका और ईरान के बीच में उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, परमाणु खतरा का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो यहां पर आप इन चीजों को ऐड कर सकते हो, सारी चीजें इसमें। ध्यान रखना 4 नंबर में लिखना है तो ज्यादा नहीं, 1-2 एग्जांपल सफिशिएंट होगा। इसके बाद अगर और यहां पर वैश्विक चैलेंजेस में देखो तो मानवाधिकार संरक्षण यानी कि ह्यूमन राइट्स की बात आप कर सकते हो। जिस तरह से दुनिया में रिफ्यूजेस देख रहे हो, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वायलेंस जिस प्रकार से फैल रहा है उसका एग्जांपल आप लोग दे सकते हो। मानवाधिकार में आप रोहिंग्याज मुसलमानों का एग्जांपल दे सकते हो, इराक में जिस तरह से हुआ, सीरिया में जिस तरह से वहां पर चीजें हो रही हैं, ये सब का आप एग्जांपल दे सकते हो। वैसे अगर वैश्विक चुनौती देखोगे तो जब आप 74वां सत्र वहां पर आप डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत सारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने चैलेंजेस आएंगे और एक आप बहुत अच्छा उत्तर लिख सकते हो। ये तो आपसे 4 नंबर में प्रश्न पूछे गए थे, यही अगर 8 नंबर और 10 नंबर में हो तो आप और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना, कभी भी प्रश्न लिखो प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, प्रश्न को समझने की कोशिश करो आपसे क्या पूछ रहा है, उसके बाद आप पॉइंट वाइज। और एक बात ध्यान रखना कि जब भी अगर कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज़ करते हो तो उसको अंडरलाइन जरूर करना, पेन एक ही यूज़ करना, कोई कलर पेन यूज़ मत करना, क्योंकि मेंस पेपर में अभी तक तो मैंने सुना नहीं है कि कोई कलर पेन यूज़ करता है। और
कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, एक ही पेन आपको यूज़ करना है, ब्लैक पेन, और वहाँ पर आप अंडरलाइन करते चलो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना, और जहाँ अगर आपको ज़रूरत महसूस हो डायग्राम भी बनाना है, हालांकि इस प्रश्न में मुझे नहीं लगता कि डायग्राम की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ ज़रूरत महसूस हो वहाँ पर आप लोग डायग्राम ज़रूर बनाओगे। इसके अलावा इसके आसपास, जैसे एक तो यूनाइटेड नेशन के ये इंपॉर्टेंट बॉडीज़ था, 6 इसके मेन प्रिंसिपल बॉडीज़ हैं, जिसमें से एक आपका महासभा आ जाता है। इसके अलावा हो सकता है बाकी इसके बॉडी से क्वेश्चन पूछा जाए, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन के और जितने पार्ट्स हो गए और जितने बॉडीज़ हो गए वहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर सिर्फ एक फॉर्मेट बताया गया है, इसके आसपास अगर बॉडी बदलकर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसके लिए तैयार रहें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर 8 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर आप कैसे इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हो और कैसे इसमें करंट अफेयर का वैल्यू एडिशन कर सकते हो, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर इस प्रश्न में बताऊंगा। जैसे यहाँ पर 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो आपका जो वर्ड लिमिट्स होगा वो कितना होगा, 100 शब्दों का होगा। इस तरह से आपको लाइन मिल सकते हैं, 10 से 12 लाइन के बीच में आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर प्रश्न पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, यानी कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी भूमिका और एक कार्य को समझाइए। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है न्यूज़ में भी था, क्यों न्यूज़ में था इस पर हमने करंट अफेयर में डिस्कस भी किया था बहुत पहले, कुलभूषण जाधव के मामले में जिसे कि पाकिस्तान की तरफ से गिरफ्तार किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय कानून ना मानने के लिए भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के खिलाफ केस भी किया था और यह मामला बहुत लंबा चला भी था, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित जो ये प्रश्न है, सबसे पहले समझिए कि इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न को समझिए, सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, उसके बाद इसकी भूमिका यानी कि इसका रोल और इसके कार्य यानी कि फंक्शंस को समझाना है आपको कि ये किस तरह से काम करता है और इसका रोल किस प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में लिखेंगे। इसका गठन आप लोगों को पता है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 1945 के तहत में किया गया, 1946 से इसका कार्य स्थापित हुआ, यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग में से एक अंग ये है और इसका जो हेडक्वार्टर है नीदरलैंड की राजधानी दी हेग में स्थित है। तो इस प्रकार से इसके गठन से संबंधित यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, और उसके बाद इसकी संरचना लिख सकते हो। संरचना में आपको यहाँ पर लिखना है कि इसका संरचना किस प्रकार से है, तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, इसमें 15 न्यायाधीशों की संख्या जो है वो किस प्रकार से होती है, इसकी संरचना में आप लिख सकते हो। 15 न्यायाधीश में से जो 3 न्यायाधीश हैं वो अलग अलग महाद्वीपों के हिसाब से इसकी संख्या डिवाइड होती है, जैसे अफ्रीका से 3 होते हैं, इसकी संरचना पे मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका से 15 जजों में से 3 जज होते हैं। इसके बाद लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज मिला के यहाँ पर 2 जज होते हैं, लैटिन अमेरिका से और कैरिबियन कंट्रीज से। इसके अलावा एशिया से 3 जज अपॉइंट किए जाते हैं, और भारत से भी अभी एक वर्तमान समय में इस कोर्ट में जज है ना, उनका नाम है दलबीर सिंह, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चौथा पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5 होते हैं, वेस्टर्न यूरोप और अन्य राज्यों से 5, और इसके अलावा पूर्वी यूरोप से 2, ठीक है, कितने हो गए, 5, 2, 7, 3, 10, 12, 3, 15। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है 15 जजों का। तो आप यहाँ पर रेशियो इस तरह से बना सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, इसका गठन बताया, उद्देश्य बताया, इसका संरचना बताया, अब इसमें आप यहाँ पर 40-60 का रेशियो लगा सकते हो, यानी कि 40% इसके बारे में लिखा और 60% में इसकी भूमिका और कार्य को आपने समझाया, या फिर आप इसको 50-50 भी कर सकते हो, 50-50% में जब इसका गठन, उद्देश्य और संरचना बताओगे तो 50 वर्ड्स तो लग ही जाएंगे सारी चीज़ें बताने में। अब 50 वर्ड्स में इसकी भूमिका यानी कि रोल और कार्य को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। याद रखिएगा कार्य में आपको एग्जाम्पल भी लिखना है, और कार्य में एग्जाम्पल भारत से रिलेटेड अगर एग्जाम्पल लिखोगे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, कुलभूषण जाधव मामले को पूरा अच्छे से वहाँ पर पढ़िएगा,
गूगल सर्च कीजिएगा कुलभूषण जाधव से रिलेटेड, वहाँ पर कंटेंट निकल जाएंगे कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वहाँ पर अपील किया और किस तरह से उस कोर्ट में केसेस चली, क्या उसमें भूमिका रही, क्या उसमें इसके कार्य रहे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। देखिए, इसका जो मेन कार्य होता है न्यायालय का काम जो है इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, कानूनी विवादों का निपटारा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवादों का निपटारा करना और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा उठाए गए कानूनी प्रश्नों पर अपना राय देना है। अगर इसके हम लोग खास कर्तव्य की बात करें तो ये दो प्रकार के हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह कानूनी विवादों पर निर्णय लेता है, यानी कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो गया, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय विवाद था कुलभूषण जाधव के मामले को लेकर, तो उस पर वो फैसला भी ले सकता है, उस पर वो सलाह भी कर सकता है और दोनों देश के बीच में ये किसी तीसरी एजेंसी को भी वहाँ पर रिकमेंड कर सकता है। तो इस तरह से इसके कार्य और भूमिका पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा और इसके कार्य और भूमिका को आप लोग पढ़िएगा। 8 नंबर के क्वेश्चन में और भी प्रश्न इससे बन सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के किसी और बॉडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी भूमिका और कार्य से रिलेटेड हर एक इंटरनेशनल हर एक यूनाइटेड नेशन के बॉडीज पर कार्य और भूमिका रोल और फंक्शंस आप लोगों को बहुत ध्यान से कर जाना है, क्योंकि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित आपसे यहाँ पर रोल और फंक्शंस ना पूछे जाकर यूनाइटेड नेशन के किसी और बॉडी से पूछा जाए। देखिए, आज के वीडियो में जो हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं ना, और जो पहला टॉपिक आपको डिस्कशन कम्युनिटी पर दिया गया था, वो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल जो बॉडीज़ हैं वहाँ से आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकते हैं उसके ऊपर था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जो बाकी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि वहाँ से किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और उसका टॉपिक डिस्कशन कम्युनिटी पर क्रिएट किया हुआ है। आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, उसका टॉपिक डिस्कशन कम्युनिटी पर क्रिएट किया हुआ है, जिसका लिंक आपको आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और उसका आपको लिंक मिलेगा वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा और यूनाइटेड नेशन के जो ये सहयोगी संगठन है पार्ट 2 में वहाँ पर जाकर उन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। चलिए, इसके बाद देखते हैं कि 10 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है और 10 नंबर के प्रश्न को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर देखिए, अब जो लास्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया कि पेपर नंबर 7 के पार्ट 2 से आपसे मैक्सिमम 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं और क्या होना चाहिए इसका एक सटीक आंसर, उस पर बात करते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पूर्ण सदस्यता हेतु भारत द्वारा किए गए अब तक के प्रयासों की समीक्षा कीजिए। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, रिव्यू करने की बात कही जा रही है, और मैं बार बार बोलता हूँ प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए फिर से एक बार पढ़िए इसको। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूर्ण सदस्य यानी कि फुल मेंबरशिप हेतु भारत द्वारा किए गए अब तक के प्रयासों की समीक्षा करना है आपको। तो जब भी आप आंसर बड़े फॉर्मेट में लिख रहे हो, बड़े वर्ड्स में लिख रहे हो, यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो आपको यहाँ पर 125 वर्ड्स मिल रहे हैं, तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 1-2 लाइन 3 लाइन में आप यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सप्लेन कीजिएगा। उसके बाद आ जाइएगा कि इसकी फुल मेंबरशिप के लिए किस प्रकार से भारत ने अब तक के प्रयास किए हैं। तो फुल मेंबरशिप क्या है, पहले आप उसको भी डिफाइन कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल जो मेंबर होते हैं वो 15 होते हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 जो हैं उसके परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, चीन और फ्रांस, ये इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो गठन है 1945 में किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसके गठन के वक्त इसके जो टोटल सदस्यों की संख्या थी वो आपका 11 था, जिसमें से 5 परमानेंट और जो 6 थे वो नॉन परमानेंट थे। 1965 में इसमें लास्ट अमेंडमेंट हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर में, उसमें 4 और नॉन परमानेंट मेंबर को ऐड किया गया था, और 1965 के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप के चार्टर में किसी तरह से कोई बदलाव नहीं किया गया है। और समय समय पर ये मांग उठता हुआ आ रहा है कि इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसके चार्टर में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। इसका जो चार्टर है उस समय के ज़रूरत के हिसाब से था, उस समय के ग्लोबल पावर के हिसाब से था, अब स्थिति बदल चुकी है, इसमें संशोधन होना चाहिए और इसमें बाकी
बाकी कंट्रीज़ जो हैं उनको भी यहाँ पर स्थान मिलना चाहिए। और संशोधन की आवाज़ उठाने वाले में जो प्रमुख देश हैं उसमें से एक भारत आपका खड़ा है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जब आप शुरुआत करोगे, भारत की भूमिका लिखोगे कि संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वहाँ पर मेंबरशिप पाने के लिए भारत ने अब तक क्या क्या किया है, तो सबसे पहले आप 1950 लिखोगे, क्योंकि सबसे पहला प्रयास भारत ने 1950 में किया था। हालांकि कहा जाता है कि उससे पहले भारत के पास में ऑफर था कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन का जब चार्टर तैयार किया जा रहा था तो भारत ने उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, इसीलिए भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप मिल रहा था, लेकिन भारत ने उसको ठुकरा दिया था। 1950 में शुरू किया गया, उसके बाद 1964 में भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत ने प्रयास किया था। अगर हम इस दशक की बात करें तो इस दशक में 2003 में कोशिश किया गया, उसके बाद 2008 में भी प्रयास हुआ, 2012 में भी प्रयास हुआ, और जब एनडीए की अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो आई उसके बाद 2014-2017 में भी प्रयास किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फुल मेंबरशिप पाने के लिए। ये प्रयास किस प्रकार से रहे वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक भारत अकेला प्रयास करके ना करके एक G4 कंट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट करता है। इसमें चार सदस्य हैं, कौन कौन से हैं, इसमें है आपका भारत, जापान है, इसके अलावा आपका जर्मनी है, और इसमें ब्राज़ील आता है। ये चार कंट्री एक साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर में अमेंडमेंट करने की बार बार प्रयास कर रहे हैं ताकि इन कंट्रीज़ को फुल मेंबरशिप मिल सके, किसमें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इस तरह से भारत के प्रयासों को आप वर्ष वाइज में एक एक पॉइंट पर आप वहाँ लिख सकते हो कि 1950 में किस तरह से प्रयास हुए, 2003 में, 2008 में, 2012, 14, 17 में किस तरह से प्रयास किए गए। यहाँ पर एक बात और फैक्ट याद रखना, करेंट अगर इसमें ऐड करना हो तो, फ्रांस ने भारत का समर्थन किया था और एक यहाँ पर संशोधन के लिए जो है चार्टर में इसके संशोधन के लिए प्रस्ताव भी बुलाया था, भारत का वहाँ पर सपोर्ट फ्रांस ने किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए। रूस भी यहाँ पर भारत का सपोर्ट कर चुका है बार बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फुल मेंबरशिप के लिए, लेकिन यहाँ पर चीन का बार बार विरोध का सामना करना पड़ता है भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फुल मेंबरशिप के लिए। अब यहाँ पर देखिए, जब किसी सदस्य को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहिए किसी कंट्री को, तो उसको क्या आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट हैं, 5ों का वोट चाहिए। अगर ये 5 मेंबर में से एक मेंबर ने भी मना कर दिया, अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया, तो उसको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलेगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स हैं, उन कंट्रीज़ का भी 2/3 वोट यहां पर चाहिए, यानी कि लगभग 123 वोट के आसपास चाहिए, यानी कि 123 देशों का समर्थन चाहिए, तभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उस सदस्य देश को जो है फुल मेंबरशिप मिल सकता है। तो भारत ने यहां पर कई प्रयास किए हैं और आगे भी प्रयास करता रहता है अपनी रणनीतिक तरीकों से। ये तो हो गया भारत सरकार के प्रयासों की आप यहां पर समीक्षा कर लोगे कुछ वर्ष में। अब यहां पर ध्यान देना, कुछ बातें और मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस प्रश्न में तो इतना ही लिखना, भारत ने किस प्रकार से प्रयास किया उसकी समीक्षा करना, और उस प्रयास में जब समीक्षा कर रहे हो तो आपको कमियों का भी उजागर करना होगा। तो जब आप यहाँ पर भारत सरकार के प्रयास की समीक्षा कर रहे हो तो इसको आप थोड़ा सा क्रिटिकल वे में भी ले सकते हो, यानी कि कुछ कमियाँ भी निकाल सकते हो। कैसे कमियाँ निकालोगे? जैसे भारत को अकेले प्रयास करना चाहिए था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के लिए, ना कि G4 के साथ में मिलकर। कई एक्सपर्ट्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि G4 के साथ में ना मिलकर भारत को अकेले प्रयास करना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो एक दो पॉइंट्स पर यहां पर आप इसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को फुल मेंबरशिप मिल जाता है तो इसके लाभ भारत को किस प्रकार से मिल सकता है, इन पॉइंट्स को भी आप यहां पर, अगर इस तरह से भी अगर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो इसको आप वहां पर मेंशन कर सकते हो। अब देखिए, एक दो पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को फुल मेंबरशिप मिलता है तो भारत को किस तरह से फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रतिबंध लगाने या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए UNSC के समर्थन की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल ले लीजिए,
जैसे मोहम्मद एग्जांपल ले लीजिए, भारत बार बार जाता है कि हाफिज़ सईद को अंतर्राष्ट्रीय या फिर जैसे मोहम्मद को अंतर्राष्ट्रीय या मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाए, तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत बार बार जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या करता था, चीन अपना वीटो का इस्तेमाल करता था, उसकी वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नहीं घोषित हो पाता था। तो इस तरह से इसके पावर को आप समझ सकते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। स्थायी सीट को वैश्विक भू राजनीतिक में अधिक मजबूती से बात कहने में सक्षम बनाएगा। यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता भारत को वीटो पावर प्रदान करेगा किसी बड़े फैसले पर फैसला लेने के लिए। तो इस तरह से कुछ कुछ जो लाभ है आप भी उसको आंसर में मेन कोड कर सकते हो, या फिर अगर क्वेश्चन में कि भारत को अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फुल मेंबरशिप मिल जाता है तो यहाँ पर अगर हो सकता है कि ये पूछा जाए कि भारत को किस प्रकार से लाभ होंगे, तो इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, एक सवाल ये उठता है कि भारत को ही क्यों फुल मेंबरशिप मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्या भारत इसके लिए सक्षम है, क्या जो उसके क्राइटेरिया हैं वो भारत उसका फुलफिल कर पाता है। तो ये भी समझिए, भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए क्योंकि भारत 1.3 बिलियन की आबादी और लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर की अधिक अर्थव्यवस्था वाला एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। यह संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग अभियानों में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है। पीस कीपिंग बहुत, संयुक्त राष्ट्र का जो पीस कीपिंग एजेंसी है बहुत ही बड़ी एजेंसी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर भी ध्यान रखिएगा। जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, GDP, आर्थिक क्षमता, संपन्न विरासत और सांस्कृतिक विविधता पर भी पैमानों पर भारत खरा उतरा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की विदेशी नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली रही है। तो ये सब कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो भारत को डिजर्व बनाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप पाने के लिए। और जब भी अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर में अमेंडमेंट होता है तो भारत प्रबल दावेदार रहेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप पाने के लिए। तो इन पॉइंट्स पे आप उत्तर लिख सकते हो, या अगर सवाल बदल के ये पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, भारत को क्यों मिलनी चाहिए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो जितने मैंने पॉइंट्स बताए वो लिख सकते हो। इसके अलावा ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट में से भारत को क्या लाभ होंगे, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, इसकी भूमिका और कार्य का वर्णन करें, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सारे प्रश्नों के लिए आप लोग आसपास तैयार रहना, ठीक है। यहाँ पर राज्यसभा TV के डिबेट में जब आप जाओगे तो विशेष और दि बिग पिक्चर, ये दो में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को पुण्य सदस्य क्यों मिलना चाहिए, इस पर डिबेट किया गया है। वो डिबेट्स के पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा कैसे प्रयास किए गए हैं इसमें स्थायी सदस्यता के लिए, इस पर भी डिबेट आपको राज्यसभा TV में मिल जाएगा, वहाँ से कंटेंट उठा लीजिएगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से चार प्रश्नों का फॉर्मेट मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन के अगर प्रिंसिपल बॉडीज से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसके आसपास कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको कैसे हल करना है। अब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप में कितनी क्षमता है लिखने का, आप किस प्रकार से उसको प्रेजेंट कर पाते हो। यहाँ पर मैंने तरीका बताया कि प्रेजेंट कैसे करना है, अंडरलाइन करना है, करेंट का कैसा वैल्यू एडिशन करना है, ये सब सारी चीज़ें हम बताए हैं और बताते रहेंगे। मैं शुरू में भी बोला कि आप लोगों को मेहनत करना है, रगड़ कर मेहनत करना है, जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनिए, रगड़ कर मेहनत करना है, इनकी बहुत मेहनत करना है, इसलिए सिंपल वर्ड में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डिस्कशन कम्युनिटी पर जाइएगा, वहाँ पर प्रयास करिएगा, शेड्यूल इसलिए पहले दिया गया है कि आप लोग पढ़िए और टेंशन मत लीजिएगा, सातों पेपर को कवर किया जाएगा। तो आप लोग अपना काम ईमानदारी से करते रहिएगा, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी वीडियोज़ आते हैं ना, चाहे किसी भी प्रकार के वीडियोस हो गए, उस वीडियोस पे आप लोगों का एक लाइक बहुत मायने रखता है सेल्फ मोटिवेशन के लिए। हमारे लिए आप लोगों का सेल्फ मोटिवेशन ठीक है, आप अपने स्तर पे अगर आपको कुछ अच्छा मिल जाता है तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। वीडियोस को लाइक किया कीजिए, दोस्तों तक शेयर किया कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। आप लोग अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से करते रहिएगा। डिस्कशन कम्युनिटी पे आज का टॉपिक क्रिएट है, जाइए और वहाँ पर क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। एक बात और छूट गया था कि जिन लोगों ने अच्छा उत्तर लिखा है उनका नाम मैं बताना भूल गया था, सारे जितने लोगों ने भी कमेंट जिनका आता है ना, हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे काम होते हैं, ये सब सारा एक्सप्लेनेशन बनाना, क्रिएट करवाना, वीडियोज़ एडिट करवाना, तो इस वजह से सारे कमेंट्स पर रिप्लाई नहीं दे पाते, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक रेटिंग की व्यवस्था लेके आ रहे हैं। रेटिंग वाला क्या होगा पता है,
हर प्रश्न के नीचे जो आप प्रश्न लिखोगे उस पर 5-स्टार रेटिंग होगा। वो रेटिंग कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो दूसरे के आंसर पे, मैं भी कर सकता हूँ, हमारे फैकल्टीज़ के बीच में कोई भी मेंबर कर सकता है। और जब फाइनल आप पे मान लो कि 50 रेटिंग है, 50 में से सब ने रेटिंग किया, तो आपको आपके उत्तर के हिसाब से 3.5 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2.5 मिल रहा है, क्योंकि जब बहुत सारे कमेंट आते हैं ना, आने लगेंगे, तो उस पर कमेंट करना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए स्टार रेटिंग जब रहेगा तो आपको पता चल पाएगा, एक मार्क्स की तरह होगा कि आपने कितना स्कोर किया है। 5-स्टार अगर मिला तो आपने बहुत अच्छा आंसर राइटिंग किया है, 4-स्टार मिला तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपके सेल्फ मोटिवेशन के लिए रेटिंग का यहाँ पर व्यवस्था किया जा रहा है, 1-2 दिन में वो इनेबल हो जाएगा, उस पर भी बात कर लेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किन लोगों ने अच्छा अच्छा उत्तर लिखा है, उनका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऐश्वर्या पांडे हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा उत्तर लिखा है, सुधार की ज़रूरत है थोड़ी बहुत। आप वीडियो का एनालिसिस देखिएगा और उस पर अपनी सुधार करने की कोशिश कीजिएगा, अंडरलाइन आप कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने जो घर का पेज या कॉपी यूज़ किए हैं वो इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। प्रॉपर जो वहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट लीजिए और उसी पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। मधुलिका दीक्षेना, ये हमेशा बहुत अच्छा आंसर लिखती हैं, इनके आंसर पर आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हो, खासकर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, इनके आंसर राइटिंग को देखिएगा, ये बहुत अच्छा लिखती हैं। इसके अलावा और भी हैं कुछ लोग जो बहुत अच्छा प्रयास किए हैं, अभिनव कुमार चंद्राकर हैं, दीपक कुमार, थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट का ख्याल रखिएगा। वर्ड लिमिट जब तक आप लोग ख्याल नहीं रखोगे तब तक, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, आप एफर्ट लगाते रहो और वर्ड लिमिट्स पे ध्यान रखना। इसके अलावा और रानी देवांगन है, इन्होंने भी अच्छा प्रयास किया है। आशीष दुबे, ये भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इनके भी आप लोग वहाँ पर आंसर राइटिंग देख सको। आशीष दुबे सारे क्वेश्चंस में प्रयास किए हैं और लगातार ये प्रयास करते रहते हैं, तो इनके आंसर राइटिंग को देखकर आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। इसके अलावा कुछ और नाम मैं बताऊँ यहाँ पर आप लोगों को, तो एक हैं आकांक्षा पांडे, ये भी बहुत अच्छा लिखी हैं और लिखती हैं। और इसके अलावा कुछ नाम और मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर बताऊँ, और किसी भी उत्तर को ना पढ़कर लिखिएगा, ऐसे ही फेंकने वाला काम ना मत कीजिएगा, इससे कुछ नहीं होना जाना है। जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। रीचा साहू हैं, ये भी अच्छा आंसर लिखती हैं। इसके अलावा साक्षी मित्तल, इनके उत्तर पढ़िएगा। दीपक कुमार गौतम हैं, ये भी अच्छा लिखते हैं, तो इन लोगों के आंसर राइटिंग को आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। इसके अलावा एक और हैं प्राची केसरवानी, ये भी बहुत अच्छा लिखी हैं, तो जाइएगा इनके आंसर को पढ़िएगा और इनसे कुछ सीखने का कोशिश कीजिएगा, और जो एनालिसिस वीडियो में बताया गया है उस पर ध्यान रखिएगा। एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हो, और सातों पेपर के लिए घर बैठे आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। हाँ, अगर बेसिक्स पढ़ना है और कंटेंट ज़्यादा पढ़ना है, डेटा चाहिए, कंटेंट वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो इसके लिए आप लोग हमारे मोबाइल कोर्स परचेस कर सकते हो। मोबाइल कोर्स परचेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लो। इसके अलावा वेबसाइट पर विजिट करने के बाद वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, उन सब सारी जगहों से जाकर आप लोग वहाँ पर मोबाइल कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो मोबाइल कोर्स अगर चाहो तो आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।